तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो बधाई देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और योगी जी ने महाराष्ट्र में आज चुनावी उद्बोधन में कहा कि हम 2017 में जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो हम आगरा दौरे पे गए, जहाँ हमने एक संग्रहालय देखा जिसका वहाँ पूछा प्रशासन को, हमने बताया मुगल संग्रहालय, तो हमने तत्काल कहा मुगलों का भारत से क्या संबंध है, मुगल संग्रहालय इसका नाम नहीं होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी से जोड़ना चाहिए, महाराणा प्रताप से जोड़ना चाहिए, कैसे लेती आप उनके जान। मैं समझती हूँ कि अगर आप जाके देखेंगे मुगल जो ये संग्रहालय है जिसका नाम बदल के रख दिया गया है, तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें ताजमहल के मॉडल रखा हुआ है, और ये सब किसने बनाया है, जिसने बनाया है उसी का तो नाम लिखा जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करके और लोगों को हमेशा भड़ाने की बात करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना निवेश आया है, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए के जो ये MOU साइन करते हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखेंगे तो कोई भी संख्या, कोई भी कारखाना नया उत्तर प्रदेश में नहीं लग पाया है। मैम जी कटेंगे तो कटेंगे, मतलब कटेंगे तो कटेंगे, ये बयान चल रहा है लगातार झारखंड में, चुनाव में महाराष्ट्र में, उस पर क्या कहना है? मैं अगर आप देखेंगे तो ये इनकी जो राजनीति है हमेशा इस तरह की नेगेटिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों को बटोरते रहे हैं, लेकिन आज सभी समाज के लोग इस बात को जान गए हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं ये लोग संविधान में फेरबदल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मारना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं बीजेपी लाओ, एक रहिए और नेक रहिए, देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब समाजवादी भाषा जाति आदि में बांटा गया है तब तब जो है तो भारी। आज जहाँ 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अगर हम अपने युवाओं का बेरोजगारी की दरें देखें तो आज चरम सीमा पे है, आंकड़े बताते हैं कभी भी इतनी बेरोजगारी हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुई है जितनी आज है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी के इतने इश्यूज हैं हमारे, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, आज गांव-गांव में क्या सड़कों की व्यवस्था है, आज DAP खाद नहीं मिल रही है हमारे, और आज स्वास्थ्य की क्या हालत है, अगर इनको जरा भी इनकी अगर काम ढंग से करते तो आज कैंसर के इतने पेशेंट्स हैं, और ये कैंसर इंस्टीट्यूट और कैंसर हॉस्पिटल्स नहीं खोल पा रहे हैं, यहाँ जहाँ कैंसर हॉस्पिटल्स खुले हैं उनको चला नहीं पा रहे हैं ये।